हेलो एवरीवन, दिस साइड ई भाव, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट विद देवा। सो आज की जितनी सारी DIYs मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सब आपके फेवरेट ही है, और आपके फेवरेट है इसीलिए मैं उसके ऊपर सालों से काम करती आ रही हूँ, क्योंकि सालों से आप इसी टाइप के DIYs को काफ़ी पसंद करते आ रहे हो। मैं बहुत सारे मड मिरर आर्ट बहुत ही कलरफुल वे में आपके साथ ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। इस बार मैं जो एक्चुअल मड मिरर आर्ट है, मतलब जो मड के ऊपर ट्रेडिशनली जैसे मिरर पुट करके उसका जो आउटलुक है ना, जिस तरह दिखता है, मैं उसी लुक को रिक्रिएट करने वाली हूँ आज। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ये वाला DIY मैं तैयार करूँ। इनफैक्ट मैं खुद भी आज तक इसे तैयार नहीं करी थी, डायरेक्टली मैं कर रही हूँ एंड आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। एंड उसके बाद और एक DIY है जो कि टाइल के ऊपर है, जो सेरामिक टाइल है उसे मैं रिक्रिएट कर रही हूँ इस बार। सो बहुत ही एक ईजी सा प्रोसेस है, मतलब रेडीमेडली आप इसे मार्केट से परचेज करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, उसे भी मैं शेयर करूँगी। एंड और भी एक DIY है जो भी ट्रेडिशनल फॉर्म में वैसे, सो तीनों DIYs ट्रेडिशनल होम डेकोर पे आप यूज़ कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप यहाँ वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स है जितना हो सके मैं उसका इस्तेमाल करूँ। बाकी जो भी प्रोजेक्ट वेस्ट मटेरियल्स से होता ही नहीं, मैं उस मटेरियल्स को बाहर से लेती हूँ एंड आपके साथ तो शेयर करती ही हूँ। एंड आई रियली ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू सम रियली अमेजिंग एंड यूनिक ट्रेडिशनल DIYs आइडिया। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो आगे जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो इस तरह नए इंटरेस्टिंग DIYs एंड होम डेकोर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं जल्दी से आपके DIYs शुरू करती हूँ। इस बार ये वाला जो मड मिरर आर्ट है, ये बहुत ही खास एंड यूनिक बनने वाली है, क्योंकि मैं आपके साथ कभी भी इस टाइप के मड मिरर आर्ट शेयर नहीं करी हूँ। इनफैक्ट मैं इसी टाइप के मड मिरर आर्ट बनाने के लिए बहुत दिनों से सोच रही थी। सो इसे बनाने के लिए आप कार्डबोर्ड ले सकते हो। अगर आप कार्डबोर्ड लेते हो तो इसका जो साइड एजेस है उसको आप जरूर कवर अप कर दीजिए पेपर के हेल्प से। मैं अश्योर कर रही हूँ, अगर आप कार्डबोर्ड के साथ काम करते हो तो भी इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सो सारे एजेस से मैं कुछ मार्जिन छोड़ रखी हूँ, सर्कल सब अपने कार्डबोर्ड के साइज के हिसाब से ले सकते हो। अभी मैं बहुत ही सिंपल सा पैटर्न से ड्रॉ करूंगी। अभी पहले तो ये जो फ्लावर पेटल है इसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर आप इसे देख के इजिली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा ड्राइंग है, इसे बताने वाली कुछ बात नहीं है, और आप ये सब तैयार करते हो ये मुझे पता है। सो आप इसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर पाओगे। अभी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी क्ले। क्ले के लिए मैं यहाँ मोल्डिंग ले रही हूँ, आप किसी भी एयर ड्राई क्ले का इस्तेमाल कर सकते हो। सो क्ले को अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ी देर छोड़ रखी थी, मतलब 2 to 5 minutes में इसे छोड़ रखी थी। एंड क्यों छोड़ रखी थी मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो यहाँ मैं और ज़्यादा टाइम आपके नहीं लूँगी, मैं उस वाले पार्ट को स्किप करती हूँ। सो यहाँ मैं अच्छे से क्ले को रोल कर रही हूँ, देखिए क्ले बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा है। अभी इसको मैं बोर्ड के ऊपर लगाऊंगी, बट लगाने से पहले आप क्राफ्ट ग्लू का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, नहीं तो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा। आप किसी भी PVA ग्लू का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो। आज जो ये मर्ड मिरर आर्ट में बना रही हूँ, ये मेरी प्लानिंग में बहुत दिनों से था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस तरह मैं कुछ बनाऊँ, बहुत सारे कलरफुल वाला मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट ये वाला सबसे खास इसीलिए है मेरे लिए, क्योंकि गुजरात में जब गई थी एंड मैंने वहाँ देखा कि उनके जो वर्ल्ड्स होते हैं ना, डायरेक्टली वो लोग क्ले से ही इसे तैयार करते हैं, जो नेचुरल क्ले होता है ना उससे इसे तैयार करते हैं, एंड उसका लुक नेचुरल है, मतलब मर्ड मिरर आर्ट आप उसे ही बोलोगे। बिल्कुल ही मिट्टी के वॉल के ऊपर या फिर पैनल के ऊपर वो लोग डिजाइन पुट करके बहुत ही सुंदर तरीके से मिरर्स पुट करते थे, एंड वो जो ऑथेंटिक लुक मैं देख के आई हूँ ना, तब से मैं सोच रही हूँ उसे मैं रिक्रिएट करूंगी एयर ड्राई क्ले के साथ, क्योंकि ये तो ट्रूथ है कि हमें तो उस वाले मिट्टी या फिर क्ले मिलेगी नहीं यहाँ। बट एनी वे, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मुझे मिट्टी के कलर जैसे कुछ मिल जाए तो मैं इसे रिक्रिएट करूंगी। बहुत सारे सेट्स मिला के मैं तैयार भी कर रही थी, बट नेचुरल मिट्टी के जो लुक है वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही थी। एंड जब मुझे फाइनली वो वाला जो मिट्टी के सेट है वो मिल गया, तो मुझे लगा मैं तो इसे रिक्रिएट करके ही रहूँगी।
हालांकि मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि उनका जो काम है उतना सुंदर था कि मैं अभी ये नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं उस वाले काम को जस्टिफाई कर पाऊंगी या नहीं, मतलब रिक्रिएट कर पाऊंगी या नहीं, वो भी मैं नहीं सोच सकती क्योंकि बहुत ही प्यारा सा काम है उनका। एंड ट्राई करूंगी इसका जो आउटलुक है उसे बिल्कुल ही मिट्टी के ऊपर मिरर जैसा रखने के लिए। सो कलर सेट के साथ तो मैं आपको बाद में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, बट उससे पहले जितने सारे क्ले आपको जिस जिस जगह पर पुट करना है आप अच्छे से उसे तैयार कर दीजिए। एंड क्ले पुट करने के बाद आप इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, बट उससे पहले आपको किसी भी जगह को एनग्राव करना हो तो क्ले पुट करने के तुरंत बाद ही आप उस जगह को एनग्राव कर दीजिए। एंड जो कलर की मैं बात कर रही थी उसे मैंने लिया था क्राफ्टोलगर से, बहुत ही यूनिक कलर सेट्स के कलेक्शन है उनके पास। एंड मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश हूँ ये वाला कलर सेट मुझे मिल गया। एंड ये जो चॉक पेंट है ये पहली बार मैंने देखा कि आप इसे किसी भी सरफेस के ऊपर तो यूज़ कर सकते हो, उसके साथ साथ आप इसे फैब्रिक के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं अभी तक इसे यूज़ नहीं किया बट मैं इसका यूजेस पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि आप इसे फैब्रिक के ऊपर यूज़ कर सकते हो। मैं ज़रूर आपको आगे किसी वीडियो पर इसे यूज़ करके दिखाऊंगी। आज मैं यहाँ चॉक पेंट डायरेक्टली इस्तेमाल कर रही हूँ, सो मैं यहाँ कुछ भी जेसो वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। डायरेक्टली व्हाइट कलर के जो चॉक पेंट है इसे अप्लाई कर रही हूँ। जो व्हाइट कलर की साइड आप देख रहे हो इसे मैं डबल कोट अप्लाई कर रही हूँ यहाँ। एंड ये वाला बेस कलर ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी वो वाला जो मिट्टी के कलर है ना उसे। सो मिट्टी के कलर सेट का नाम है न्यू चॉक पेंट। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसी नेम पे आप सर्च कर सकते हो वहाँ। मैं इसको भी यहाँ डबल कोट अप्लाई करी थी एंड इसका जो कवरेज है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप डबल कोट अप्लाई करते हो तो आपको डिजायर्ड साइड मिल जाएगा और ज़्यादा कोट्स अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे ये तो नहीं लग रहा है जैसे मैं इस तरह सामने से देख रही हूँ वो एक्चुअली में कैमरे में दिख रहा है या नहीं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल लुक है जब आप इसे क्रिएट करोगे तभी आपको पता चलेगा। जब आप इस कलर को अप्लाई करोगे थोड़ा सा आपको ग्लसी टाइप में लगेगा बट 1-2 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है। एंड ड्राई होने के बाद उसका जो मैट फिनिशिंग लुक है ना वो बहुत ही सुंदर है। डायरेक्टली मिरर्स को मैं इसके ऊपर स्टिक करवाऊंगी क्योंकि मैं चाह रही थी सारे प्रोसेस को मैं बिल्कुल ही नेचुरल, जैसे ओरिजिनली वो लोग क्रिएट करते हैं ना, बिल्कुल ही उसी तरह आउटलुक से मैं इसे क्रिएट करूं। वहाँ क्या होता है कि मिरर्स को फोर्सफुली मिट्टी के अंदर पुश किया जाता है, उसके बाद जब मिट्टी सारे ड्राई हो जाती है देन मिरर्स को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, वही होता है ओरिजिनल प्रोसेस। बट यहाँ तो हम एयरड्राई क्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं सो उतना रिस्क हम नहीं ले सकते। आपके पास जो भी 7 साइजेस के मिरर पीसेस है आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जो भी 7 साइजेस के मिरर थे मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। मिरर सारे को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ क्राफ्ट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड ये वाला जो क्राफ्ट ग्लू है ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है। सो इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से क्राफ्ट ग्लू लगा के इसे स्टिक कर दीजिए। बस इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए एंड उसके बाद आपका DIY कम्प्लीटली रेडी है। इसका जो आउटलुक है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए ईजी सान प्यारा सा DIY कितने अच्छे से निकल के आई है। चलिए अभी इसे वॉल पे हैंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी ड्राइंग रूम के एरिया है जिसको मैं मोस्टली मिरर क्राफ्ट्स के साथ ही सजाती हूँ। अगर आपको भी पसंद है तो ज़रूर रिक्रिएट कीजिएगा और मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके फॉर नेक्स्ट यहाँ आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ ओल्ड फोटो फ्रेम्स। नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ डेको ट्रांसफर सेट एंड उसको प्लेस करने के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला कोस्टर। यहाँ कोस्टर लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कोस्टर नहीं है देन आप डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी बेस के ऊपर। इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस टाइप ऑफ एक्चुअल टाइल्स इट विल कॉस्ट यू मोर। ये बहुत ही सुंदर सा टेक्निक है, आप इसके साथ काम करके ये जो टाइल वर्क है इसे रिक्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे मैं बेस के ऊपर जेसो लगाऊंगी। जेसो लगाने के बाद आप इसको बिल्कुल ही ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि ड्राई होने से पहले हम इसके ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सो ड्राई होने के बाद मैं इसे जेंटली इस तरह पुट कर रही हूँ एंड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वाटर लेके डैब करवाऊंगी डैबिंग स्पंज के हेल्प से।
इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगनर्स हो तो ये वाला डीआईवाई को जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट दिस डीआईवाई बिकॉज आजकल मार्केट में इस टाइप के टाइल्स वर्क बहुत चल रहा है। मैं आपके सामने बहुत सारे इस टाइप के डीआईवाईज ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। स्टिल आई बैडली वांटेड टू क्रिएट दिस वन क्योंकि मार्केट में इस टाइप के जो होम डेकोर पीसेस है ना वो बहुत ही प्राइसी है, मतलब एक एक टाइल के प्राइस बहुत ज्यादा है। सो देखिए बातों बातों में ये मेरा बिल्कुल ही तैयार हो गया। बस आप जेंटली डैप करने के बाद इस तरह जो ऊपर के पेपर है उसको पिलअप कर दीजिए एंड ये बिल्कुल ही तैयार है। अभी मैं बेस कलर को मैच करके यहाँ मैं ब्लू कलर डाल रही हूँ। आप एक्रिलिक या फिर चॉक पेंट कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ चॉक पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड आगे जाने से पहले मैं आपको ये बात भी बता दूं, अगर आपके पास वुडन कोस्टर नहीं है तो आप डायरेक्टली बेस के ऊपर भी ट्रांसफर कर सकते हो। मेरे प्लानिंग के हिसाब से ये मैं चाह रही थी जो एक्चुअल टाइल है ना मैं उस टाइप के लुक दूं। सो थोड़ा सा हाइट की मुझे ज़रूरत थी एंड इसीलिए मैंने यहाँ कोस्टर का इस्तेमाल किया। तो फाइनली मैं चाह रही थी चार ऐसे पैनल्स मैं बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने प्लानिंग के हिसाब से तीन तो तैयार करके रख चुकी हूँ, बट जो फोर्थ वाला है ना वो एक्चुअली में मेरे प्लानिंग में अभी तक नहीं था। सो फाइनली मैंने सोचा कि इसे इस तरह यूज़ किया जाए ताकि मैं इसके ऊपर छोटा सा मिरर डाल सकूँ। अभी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगी वर्निस एंड जो भी मिरर मुझे यहाँ लगाना था मैंने यहाँ डाल दिया। अभी इसको बेस के ऊपर मुझे स्टिक करना है। बेस के ऊपर स्टिक करने के लिए मैं यहाँ हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो पीवी ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कार्डबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हॉट ग्लू का इस्तेमाल मत कीजिए, बेटर ये है कि आप पीवी ग्लू का ही इस्तेमाल कीजिए। एंड इसी स्टेप के साथ साथ मेरा ये वाला डीआईवाई बिल्कुल ही कम्प्लीट हो चुकी है। चलिए मैं इसको हैंग करके आपको दिखाती हूँ। इसका प्रोसीजर जितना सिंपल है इसका आउटलुक उतना ही सुंदर है। तो अगर आप इसे रिक्रिएट करना चाहते हो तो जरूर कीजिएगा। अगर आप करते हो तो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड नाउ आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू सी दिस पैनल्स ऑन माई वॉल। आपके सामने है, आप देख सकते हो कितना ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं, मुझे काफ़ी पसंद है। अभी तो ये मेरे बेड सीट के साथ भी मैच हो रही है, सो इस वाले कर्नर के लिए परफेक्ट है। आप इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा एंड अपने घर को एक बहुत ही प्यारा सा लुक दीजिएगा। इस गर्मी के सामने एक बार मीठी लस्सी मिल जाए तो बात कुछ और ही है। सो परसों मैं ऐसे ही गई हुई थी मिठाई की दुकान, तब मुझे नज़र में आया ये वाला लस्सी। एंड लस्सी से पहले तो मुझे नज़र में आया ये वाला कंटेनर एंड देखते ही मुझे ये तो पता लग गया था इसको लेके मैं तो डीआईवाई बनाने वाली हूँ। सो तुरंत मैं मेरी मोबाइल उठा के इसे सूट करना शुरू कर दिया। मुझे बेस के ऊपर एक होल चाहिए था, सो इसीलिए मैं इसके ऊपर पानी डाल के इसको एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ी देर छोड़ रखी थी। उसके बाद मैं ड्रिल के हेल्प से इसे होल बना रही हूँ। इसका जो सरफेस था वो थोड़ा रफ टाइप में था, सो इसीलिए मैंने पहले इसके ऊपर जेसो लगाया। मैं यहाँ तीन कुल्लर ले रही हूँ, उसके ऊपर जेसो लगा के मैं इसे ड्राई होने के लिए प्रॉपरली छोड़ रखी थी। अभी चलिए बाकी जितने सारे काम है उसको ख़त्म करते हैं। मेरी प्लानिंग के हिसाब से ये मैं चाह रही हूँ कि इसे एक क्ले बेल जैसा मैं बनाऊँ एंड उसको तैयार करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एयर ड्राई क्ले। एयर ड्राई क्ले को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस तरह रोल कर दीजिए, थिकनेस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा तो ही अच्छा है। कट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला कैप जो कि मेरे जेसो बेटल के कैप है। आप अपने साइज़ के हिसाब से कुछ भी कैप यूज़ कर सकते हो, बट आगे जाके मैं इसे हैंग करने वाली थी सो इसीलिए यहाँ मैं होल्स बना रही हूँ। एंड होल्स बनाने के लिए यहाँ जो पेन के रिफिल है इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। इस बीच जो जेसो लगा के मैं ड्राई होने के लिए छोड़ रखी थी वो बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है। मैं इसके ऊपर अभी कलर अप्लाई करूँगी। आप अगर चॉक पेंट का इस्तेमाल करते हो तो डायरेक्टली चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके भी टेराकोटा के ऊपर से डस्ट निकल रहा है तो आप पहले जेसो लगा के उसे सील कर दीजिए एंड उसके ऊपर ही कलर लगाइए। अभी आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में जिसका मुझे इंतज़ार था तब से। तो मैं ऐसे चाह रही थी कि इसको मैं टेराकोटा के ही बेस दूँ, जैसे लगेगा कि टेराकोटा के ऊपर ही मैं इसे पेंट कर रही हूँ। बट जैसे आप देख चुके हो जब मैं इसे खरीद के लाई थी उसका जो कलर सेट था ना वो काफ़ी फेडेड टाइप में था। सो इसीलिए मैं प्लान करके रखी थी कि इसके ऊपर पहले तो मैं टेराकोटा के कलर ही यूज़ करूँगी, बट जो एक्चुअल टेराकोटा कलर है ना इसको मैं पहले तो मिक्स करके तैयार कर रही थी। एंड प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब बीच में टेराकोटा के जो सेड है वो ख़त्म हो जाती थी मुझे फिर से तैयार करना पड़ता था एंड फर्स्ट वाले कलर सेट के साथ सेकेंड टाइम जो मिक्स करके मैं तैयार कर रही थी वो मैच नहीं हो रहा था।
उसका सोल्यूशन मुझे अभी मिल गया, क्योंकि ये वाला जो कलर सेड है ये बिल्कुल टेराकोटा, मतलब जो एक्चुअल टेराकोटा के कलर होते हैं ना, बिल्कुल ही उसी तरह आपको दिखेगा। एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे हमेशा इस टाइप के रेडीमेड कलर ही चाहिए था। अगर आप ही इसे यूज करना चाहते हो देन वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। एंड कलर अप्लाई करने के बाद आप बिल्कुल इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप चाहो तो ड्राई होने के बाद आप इसके ऊपर वार्निश डाल सकते हो। अभी आउटलाइन सारे ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेरे फेवरेट मिरर पीसेस। आपके पास किसी भी शेप एंड साइजेस के मिरर पीसेस है आप यहाँ डाल सकते हो। एंड उसको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू। उसको और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए आप किसी भी एक्रीलिक कलर या फिर चॉक पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस तरह डॉटिंग टूल्स लेके उसको और ज़्यादा डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये वाला जो कलरिंग एंड डेकोरेशन वाला पार्ट था मैंने बिल्कुल कम्प्लीट कर चुकी हूँ यहाँ। अभी जो मैं क्ले से बना के रखी थी पहले से उसे मैं हैंग करवाऊँगी यहाँ। हैंग करने के लिए आप जूट रोफ या फिर मैक्रेमिकल इस्तेमाल कर सकते हो। इसको भी मैंने बिल्कुल सेम कलर के साथ कलर करके ड्राई कर दिया एंड इसे मैं अभी हैंग करने वाली हूँ। हैंग करने के लिए मैं भी जूट रोप का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ। चलिए मैं आपको इसे हैंग करके दिखाती हूँ। इसका जो फाइनल लुक है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत सारे कलर से मिरर से तो इस टाइप के DIYs के मैं तो बहुत बड़ी दीवानी हूँ। अगर आपको भी ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो जाने से पहले इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ खास करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए कुछ इंटरेस्टिंग DIYs एंड होम डेकोर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।